हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे प्लांट ब्रीडिंग का एक जबरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं, जीन पूल क्या होता है। ठीक है, जीन पूल क्या होता है इसके बारे में हम फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो आपको सिस्टमेटिक ढंग से हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन सीरीज की दृष्टि से, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव लेवल की दृष्टि से, आपको इस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिशन में, और किस बेस के थ्रू आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हम डायरेक्टली उसी वे में बात करेंगे। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। वास्तव में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है, बीएससी यदि थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए काफ़ी यूजफुल है, जो सीधे सीधे पेपर में छपता है, डायरेक्टली पूछता है एक्सप्लेन व्हाट इज जीन पूल एंड द टाइप ऑफ जीन पूल या एक्सप्लेन ऑफ जीन पूल। ठीक है, तो हम फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो जीन पूल क्या होता है? जीन पूल का मतलब होता है किसी भी स्पीसीज का टोटल जीन, यानी कि मान लीजिए कि कोई भी क्राप का जीन है, ठीक है, यानी कि सम टोटल ऑफ जीन, दैट इज कॉल्ड जीन पूल। ठीक है, किसी भी स्पीसीज का टोटल जीन जो होता है उसका सम कर दिया जाता है, यानी कि योग कर दिया जाता है, तो उसी कंडीशंस को बोला जाता है जीन पूल। यहाँ पर एक साइंटिफिकली डिफिनेशन बताया गया है कि सम टोटल, यानी कि सम टोटल का मतलब योग हो जाता है, सम टोटल ऑफ जीन इन ए स्पीसीज, यानी कि किसी भी स्पीसीज का, मान लीजिए कि गेहूँ की एक स्पीसीज है, व्हीट की एक स्पीसीज है, ट्रेटिकम ड्यूरम और ट्रेटिकम एस्टिवम। तो ड्यूरम और देखिए ट्रेटिकम एस्टिवम और ट्रेटिकम ड्यूरम, ठीक है, टी से ट्रेटिकम, ए से एस्टिवम, टी से ट्रेटिकम, डी से ड्यूरम, यानी कि व्हीट की एक वैरायटी है ट्रेटिकम ड्यूरम और एक है ट्रेटिकम एस्टिवम। तो यह जो है जीनस है और यह क्या है स्पीसीज है, ये जीनस है और ये स्पीसीज है। तो मतलब किसी भी क्राप का जो स्पीसीज होता है उनका जीन का जो टोटल किया जाता है उसी कंडीशंस को बोला जाता है जीन पूल, यानी कि सम टोटल ऑफ जीन इन ए स्पीसीज, दैट इज कॉल्ड जीन पूल। तो साइंटिफिकली वे में समझ चुके होंगे, या दूसरे वे में हम बात करेंगे तो द होल लाइब्रेरी ऑफ डिफरेंट एलील ऑफ ए स्पीसीज, यानी कि किसी भी स्पीसीज का जो डिफरेंट एलील होता है उसका होल लाइब्रेरी, यानी कि संपूर्ण ग्रुप जो होता है जीन पूल कहलाता है। तो आप दोनों में से कोई भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, या अपने अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं कि किसी भी जीन का सम टोटल योग जो होता है उसी को जीन पूल कहा जाता है। ठीक है, तो जीन पूल का जो कॉन्सेप्ट दिए थे सर्वप्रथम, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि थ्रू मान लीजिए आपके एग्जाम में पेपर में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको साइंटिफिकली वे में लिखने के लिए, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके, तो आपको पहले लिखना पड़ेगा जीन पूल कॉन्सेप्ट पहले, फिर उसके बाद कौन टर्म दिए थे। इस प्रकार लिखने से क्या होता है कि एग्जामिनर जान जाते हैं कि वह स्टूडेंट इस टॉपिक के बारे में उसके पास अच्छा नॉलेज है, यानी कि जीन पूल का जो कॉन्सेप्ट दिए थे हरलान एंड डी वेड ने दिए थे, तो आप साइंटिस्ट का नाम याद कर लीजिएगा। और जो जीन पूल का जो टर्म दिए थे वो दिए थे डोवाल जैस्की इन 1951 में दिए थे। तो आप दोनों बातों को ध्यान देंगे, ठीक है, फिर उसके बाद इसका साइंटिफिकली डिफिनेशन। तो जीन पूल को तीन भागों में क्लासिफाइड किया गया, प्राइमरी जीन पूल, सेकेंडरी जीन पूल एंड टर्शियरी जीन पूल, ठीक है, जिसे शॉर्टनेस में PG1, प्राइमरी जीन पूल फर्स्ट, प्राइमरी जीन पूल सेकेंड और प्राइमरी जीन पूल थर्ड में क्लासिफाइड किया जाता है। तो देखिए हम बहुत ही सिंपल वे में तीनों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि प्राइमरी जीन पूल फर्स्ट ये है, प्राइमरी जीन पूल सेकेंड ये है, प्राइमरी जीन पूल थ्री यानी टर्शियरी यानी तृतीय जीन पूल, ठीक है। तो प्राइमरी जीन पूल क्या होता है कि इसमें किसी भी जीन का, किसी भी क्राप का जो स्पीसीज होता है एकदम निकट की स्पीसीज के बीच क्रॉस कराया जाता है। जैसे मान लीजिए कि गेहूं की एक स्पीसीज है ट्रेटिकम एस्टिवम और ट्रेटिकम डिंगम, ठीक है। तो देखिए स्पीसीज क्या है, दोनों का क्या है चेंज है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है कि प्राइमरी जीन पूल फर्स्ट में क्या है सेम स्पीसीज के बीच क्रॉस कराया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है PG1, इसके बारे में बात हो रहा है, केवल इसके बारे में यहाँ पर बात किया जाएगा, ठीक है। तो जीनोटाइप ऑफ सेम स्पीसीज, यानी कि यहाँ पर जो भी जीनोटाइप, जीनोटाइप का मतलब आप समझ रहे होंगे, ठीक है, जीनोटाइप का मतलब जीन से रिलेटेड बात हो रहा है, न कि फिनोटाइप कैरेक्टर्स, ठीक है। फिनोटाइप का मतलब होता है उसके मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स के थ्रू यदि बात किया जाएगा तो वह फिनोटाइप होता है, लेकिन यहाँ पर जीनोटाइप ऑफ द सेम, क्योंकि यहाँ पर जीन की बात किया है, क्योंकि जीन पूल यानी कि जीन की ही बात होगी, यानी कि जीनोटाइप ऑफ सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज के जीन होने चाहिए, ठीक है, तभी वो प्राइमरी जीन पूल। और क्या होता है कि इंटरमेटिंग ऑफ जीन, यानी कि इसमें देखिए इस बात से समझ चुके होंगे कि जीनोटाइप ऑफ सेम स्पीसीज, यानी कि एक ही क्राप के सेम स्पीसीज के बीच यदि क्रॉस कराया जाएगा तो वह आसानी से क्रॉस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया इंटरमेटिंग ऑफ ईजी, यानी कि आसानी से उसका मेटिंग हो जाता है। और मेटिंग क्रिया के थ्रू देखिए प्रोडक्शन ऑफ फर्टाइल हाइब्रिड, जैसे मान लीजिए
कि एक स्पीसीज ए है और एक स्पीसीज बी है, दोनों सेम स्पीसीज के हैं, तो इन दोनों के बीच क्रास जब कराएंगे तो आसानी से हमारा हो जाएगा। और इन दोनों के क्रास से जब कराने पर जो प्रोजनी डेवलपमेंट होगा वह पूर्णतः क्या होगा, फर्टाइल होगा। आपको याद होना चाहिए कि प्राइमरी जीन पूल फर्स्ट में क्या होता है कि सेम स्पीसीज के बीच क्रास कराया जाता है, और क्रास क्या होता है, आसानी से हो ही जाता है, और इसके द्वारा जो भी प्रोडक्शन होता है आप फर्टाइल हाइब्रिड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और मोस्ट कॉमन यूज ऑफ ब्रीडिंग प्रोग्राम, और यह जो प्राइमरी जीन पूल फर्स्ट है ब्रीडिंग प्रोग्राम में बहुत ही सूटेबल है, क्योंकि हर एक प्लांट ब्रीडर यही चाहते हैं कि कोई भी क्रास आसानी से हो जाए, डिफिकल्टी ना आ पाए, ठीक है। तो यह जो प्राइमरी जीन पूल फर्स्ट होता है मोस्ट कॉमन यूज ऑफ ब्रीडिंग प्रोग्राम में सबसे यूजफुल होता है प्राइमरी जीन पूल। और हम बात करेंगे सेकेंडरी जीन पूल क्या होता है। सेकेंडरी जीन पूल का मतलब होता है कि जीनोटाइप ऑफ रिलेटेड, इनके जो भी जीनोटाइप होंगे रिलेटेड मतलब सभी संबंधित होंगे, लेकिन एकदम सेम स्पीसीज के नहीं होंगे, स्पीसीज उनके डिफरेंट होंगे, ठीक है। देखिए मान लीजिए गेहूं की ये वैरायटी ट्रिटिकम एस्टिवम और ट्रिटिकम ड्यूरम, तो यहाँ पर देखिए स्पीसीज एस्टिवम है और यहाँ पर ड्यूरम है, यानी कि डिफरेंट प्रकार की स्पीसीज के बीच क्रास करा रहे हैं, ठीक है। जब डिफरेंट प्रकार की स्पीसीज के बीच क्रास कराएंगे तो क्रास कराने में क्या होगा, डिफिकल्टीज होगा। प्राइमरी जीन पूल सेकंड यानी कि डिफिकल्ट टू हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस क्रिया जो होगा बहुत ही डिफिकल्टीज होगा, मतलब होगा लेकिन बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर लिखा पार्शियल फर्टिलिटी, यानी कि इसके द्वारा जो भी प्रोजनी यानी कि जो भी हाइब्रिड का प्रोडक्शन होगा वह पूर्ण रूप से स्टेराइल भी नहीं होगा, न ही पूर्ण रूप से फर्टाइल होगा, यानी दोनों के मध्य का होगा, इसीलिए लिखा गया पार्शियली फर्टिलिटी, ठीक है। और जीन पूल थर्ड जो होता है वह स्टेराइल हाइब्रिड होता है, अर्थात कहने का मतलब होता है कि यह डिफरेंट प्रकार के जीन, इसके जो जीनोटाइप के जीन, जैसे मान लीजिए इसमें डिफरेंट प्रकार के जीनस भी हो सकते हैं और स्पीसीज भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए वीट और राई के बीच ट्रिटिकल, किसके एग्जांपल है वीट और राइस, ठीक है, वीट ट्रिटिकम एस्टिवम और राइस दूसरे स्पीसीज का है, तो दोनों के बीच क्रॉस कराया जाएगा, तो PG3 यानी कि जो प्राइमरी जीन पूल थर्ड होता है, टर्शियरी जीन पूल थर्ड होता है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्रिया मतलब बहुत न के बराबर होता है, हाइब्रिडाइजेशन सूटेबल रूप से नहीं हो पाता है, और इसमें जो भी मतलब हाइब्रिड का प्रोडक्शन करेंगे वह स्टेराइल होगा, यानी कि फर्टाइल कभी नहीं होगा। तो आप समझ चुके होंगे कि पीजी फर्स्ट यानी कि सेम स्पीसीज के बीच होगा, फिर उससे मतलब जीनोटाइप और रिलेटेड कुछ दूर, और इसमें क्या होगा एकदम बिल्कुल अलग होगा। तो प्राइमरी जीन पूल, सेकेंडरी जीन पूल और टर्शियरी जीन पूल के बारे में आप आसानी से समझ चुके होंगे, आपको बस इतना ही मेंशन करना है। और यहाँ पर लिखा गया टाइप ऑफ कलेक्शंस के थ्रू जीन पूल को, देखिए बेस कलेक्शंस और एक्टिव कलेक्शन और वर्किंग कलेक्शन। देखिए जर्म प्लांट का कलेक्शंस इसी के थ्रू होता है, किसी भी सीड हो सकता है, जर्म प्लांट का मतलब होता है किसी भी प्लांट्स का वेजिटेटिव पार्ट भी हो सकता है, सीड भी हो सकता है, जिसको क्या किया जाता है कि लंबे समय तक इसको स्टोरेज कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि प्लांट ब्रीडर को उस क्रॉप या उस वैरायटी की स्पीसीज या कोई भी कभी भी भविष्य में किसी भी प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन कराना पड़े तो उस जर्म प्लांट का यूज करके न्यू वैरायटीज को रिलीज किया जा सके। तो टाइप ऑफ कलेक्शंस के आधार पर उनको तीन भागों में क्लासिफाइड किया जाता है, एक बेस कलेक्शन होता है, एक एक्टिव कलेक्शन होता है, एक वर्किंग कलेक्शन होता है। बस आपको हेडिंग याद होना चाहिए। बेस कलेक्शन क्या होता है कि बेस कलेक्शन का मतलब होता है इसमें जो भी प्लांट ब्रीडर होते हैं, जो भी जर्म प्लांट का कलेक्शन किया जाता है वह लंबे समय तक के लिए कर दिया जाता है, यानी कि 50 ईयर्स के लिए कर दिया, 50 वर्ष के लिए कर दिया जाता है, ठीक है। और इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होता है 5% से लो रखा जाता है, क्योंकि जब मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा रखेंगे तो उसमें नमी की मात्रा अधिक होगी, तो उसमें इंसेक्ट पेस्ट लगने का डैमेजिंग सिस्टम अधिक दिखाई देगा, ठीक है। और जो एक्टिव कलेक्शन होता है, एक्टिव कलेक्शन आपका 10 ईयर के लिए, ठीक है, 8 से 10 ईयर के लिए किया जाता है, ठीक है। और एक्टिव कलेक्शन करने से, एक्टिव कलेक्शन यदि कर रहे हैं तो आपको 4 से 5 ईयर्स पर उसका वायबिलिटी टेस्ट करना पड़ेगा, सीड की वायबिलिटी टेस्ट करना पड़ेगा कि जो भी सीड आप कलेक्ट करके रखे हैं उसमें भी किसी प्रकार का साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, यानी कि वायबिलिटी टेस्ट करेंगे, उसका जर्मिनेशन टेस्ट करेंगे, ठीक है। यह क्या होता है कि 8% मॉइस्चर कंटेंट पर इसको स्टोरेज किया जाता है, ठीक है। और जो वर्किंग कलेक्शन होता है, वर्किंग कलेक्शन का मतलब होता है प्लांट ब्रीडर को जब आवश्यकता होगा वो अपना जर्म प्लांट में जो भी रखा रहेगा सीड उसको ऑलरेडी ले भी सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक प्लांट ब्रीडर को एक न्यू वैरायटी बनाना है तो एक जर्म प्लांट सेंटर पर गए, वहाँ से डायरेक्टली बीज को लाए, अपना ब्रीडिंग प्रोग्राम अपना किए, फिर कुछ समय बाद यदि उनको घट रहा है तो फिर दोबारा जाएंगे। तो वर्किंग कलेक्शन का मतलब होता है वह हमेशा कार्यरत होता है, ठीक है, यह फ्रिक्वेंटली, ठीक है, फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं हर एक प्लांट ब्रीडर, ठीक है। तो यह जो होता है इसमें क्या होता है कि 8 से 10% मॉइस्चर कंटेंट
और इसका वाइबिलिटी टेस्ट उतना हो सकता नहीं रहता, क्योंकि हर एक प्लांट ब्रीडर डायरेक्टली फ्रिक्वेंटली यूज करते रहते हैं, तो इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं। ठीक है, तो यही था जीन पूल के बारे में। आप आसानी से समझ चुके होंगे कि जीन पूल क्या होता है। जीन पूल क्या होता है कि किसी भी सम टोटल ऑफ जीन इन ए स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज का सम टोटल ऑफ जीन क्या होता है, जीन पूल होता है। जीन पूल का कॉन्सेप्ट जो हर्नान एंड डेविड ने दिए थे और जो टर्म दिए थे डोवानजेस्की ने 1951 में दिए थे। प्राइमरी जीन पूल, सेकेंडरी जीन पूल, टर्सरी जीन पूल के बारे में आप आसानी से समझ चुके होंगे। फिर उसके बाद मैंने बताया था टाइप ऑफ कलेक्शन क्या था, बेस कलेक्शन, एक्टिव कलेक्शन, वर्किंग कलेक्शन। इसके बारे में शॉर्ट नोट्स के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया। यही था बस आपको जीन पूल। यदि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जीन पूल क्या होता है, जीन पूल के बारे में लिखिए, तो बस आपको इतना एक्सप्लेनेशन करना है, इसके माध्यम से आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। प्लीज़ वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि मेरे द्वारा बताया गया हर एक स्टेटमेंट आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। थैंक यू।